नमस्कार दोस्तों, उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों अगर आप भी अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हैं या फिर परमानेंटली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको दोनों प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंट तो परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं, अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखना मेरे भाई, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, नहीं तो आपने एक गलती कर दी तो आप अपने अकाउंट को ही डिलीट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपका अकाउंट लिंक है ना वही अकाउंट चला जाएगा, फेसबुक पेज तो बाद में डिलीट होगा वही डिलीट हो जाएगा। तो याद रखना है, आपको गलती नहीं करनी है, जैसे जैसे बता रहा हूं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे वैसे ही करना है। आपका 101% जो आपका फेसबुक पेज है वो डिलीट हो जाएगा दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से वैसे करिए, ठीक है। स्क्रीन के साइड में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक पेज जो है या फिर फेसबुक जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट पे जाना है, कोने पे यहां पे, और यहां पे जाने के बाद आपको उस पेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस पेज को आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहां पे आपको क्लिक करना है इस एरो पे, यहां पे मेरे सारे पेज आ गए, जिन जिन पेज को मैं मैनेज करता हूं या फिर जो जो पेज इस अकाउंट से मेरे लिंक है तो जिस पेज को डिलीट करना है उसको मैं यहां पे क्लिक कर लेता हूं। तो ये पेज मैं डिलीट करना चाहता हूं, जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हिंदी मैंने टेम्परेली बना लिया था तो इसको मैं अब डिलीट करने वाला हूं। तो कैसे डिलीट होगा देखो बताता हूं। इसके ऊपर मैंने टैप किया, ये कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ गया, ठीक। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पे कोने पे दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस तरह का क्लिक करोगे ऊपर आपके पेज का नाम आ जाएगा दोस्तों, ऊपर सेटिंग का आइकॉन आ जाएगा, तो आपको सिंपल सा सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जैसा अभी मेरे में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर अब आपको क्लिक करना है पेज सेटिंग पे दोस्तों, ठीक है। ये दिख रहा है पेज सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही पेज सेटिंग पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन कर देना है, नीचे आ जाना है दोस्तों, और नीचे आ जाना है, और यहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल का दोस्तों, ठीक है। इस एक्सेस एंड कंट्रोल पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप एक्सेस एंड कंट्रोल पे क्लिक करोगे यहां पे एक आपके सामने आ जाएगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे नीचे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है टेम्परेली डीएक्टिवेट एंड परमानेंट डिलीट योर पेज। दोस्तों यहां से वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, अब यहां से वीडियो स्टार्ट हुआ दोस्तों, क्योंकि यहीं से लोग गलती करते हैं, यहीं से सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। तो देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब दोस्तों यहां से दो पार्ट में वीडियो डिवाइड हो गया दोस्तों। अगर आप अपने पेज को डीएक्टिवेट करना चाहते हो, डिलीट नहीं करना चाहते हो, टेम्परेली डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो यहां ऊपर वाले पे क्लिक कर देना। अगर आप अपने पेज को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो नीचे वाले पे क्लिक कर देना। तो मुझे परमानेंटली डिलीट करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि डिलीट के जगह पर डीएक्टिवेट कर देते हैं तो उनका पेज जो है वहां पे कुछ दिन के लिए तो नहीं शो करता है, लेकिन वो फिर से ओपन करते हैं फिर से खुल जाता है, फिर कहते हैं डिलीट नहीं हुआ। तो यहीं पे गलती कर देते हो, आपको डिलीट के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ये आपसे रीजन पूछेगा कि आप अपने फेसबुक पेज को क्यों डिलीट करना चाहते हो, क्या रीजन है। तो इनमें से आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो, तो फिलहाल मैं सबसे ऊपर वाला कर देता हूं क्योंकि भाई इसमें टाइम खराब होता है फेसबुक पेज ज्यादा यूज करने पे, तो मैंने इसको लगा दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा मैनेज योर नोटिफिकेशन वगैरह, ये सब चीजें पूछेगा, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अगर आप एडिट नोटिफिकेशन सेटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पे मैंने कंटिन्यू कर दिया दोस्तों, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहां से अगर आपके फेसबुक पेज के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने मेरी तरह टेम्परेली कोई फेसबुक पेज बनाया हुआ है और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब यहां पे आपको जो जो आपका फेसबुक पेज है ना वो जिस भी फेसबुक पे मतलब प्रोफाइल से लिंक है उस फेसबुक प्रोफाइल लिंक का पासवर्ड यहां पे डालना होगा दोस्तों। तो यहां पे मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली यहां पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है दोस्तों, ठीक है। अब पासवर्ड डालने के बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया, अब यहां पे देखो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपसे साफ बोला जाएगा कि हम आपके पेज को डिलीट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप अभी भी कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर फिर से आपसे एक बार बोलेगा
कि अगर आप अपने पेज को मतलब डिलीट कर देते हो, ये डिलीट वाला जो आपको बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद अगर आप फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत पेज को डिलीट कर दिया मुझे वापस चाहिए, तो आप 30 दिन तक अपने पेज को बैकअप भी कर सकते हो अपने अकाउंट में जाके दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर 30 दिन तक आप बैकअप नहीं करते हो डिलीट करने के बाद, तो आपका पेज जो है परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो मुझे तो परमानेंट ही डिलीट करना है, मुझे बैकअप नहीं करना है, तो मैं डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही डिलीट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, प्लीज लॉग इन अगेन का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, तो यहां से आप ओके बटन पे क्लिक कर देना दोस्तों, दोबारा से लॉग इन करने के लिए बोलने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों दोबारा से जैसे ही मैंने इसको लॉग इन किया, लॉग इन मांगेगा, लॉग इन कर लेना। लॉग इन करते ही अब मैं आपको चेक करा देता हूं कि मेरा जो फेसबुक पेज था जिसको मैंने डिलीट किया था वो डिलीट हुआ या नहीं दोस्तों। तो यहां पे क्लिक करूंगा और देख सकते हो कि यहां पे वो वाला जो पेज था मेरा वो डिलीट हो चुका है, बाकी सारे पेज आ रहे हैं, केवल जो मैंने डिलीट किया था वही वाला डिलीट हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी डिलीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।